अलैकुम। जो अभी जो करंट इंडिया का जो हालात है, जो दिल्ली राइट हुआ अभी, सबसे पहले तो प्रोटेस्ट जो चल रहा था, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल पास किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये एक्चुअल में ये इसको राइट नहीं बोला जाएगा, इसको जेनोसाइड बोला जाएगा। कत्लेआम किया गया मुसलमानों का, क्योंकि इसके अंदर अगर आप फुटेजेस देखोगे, जो भी फुटेजेस जो आए थे, जैसे कि पुलिस जो है खुद पत्थर फेंक रही है और प्लस कैमरास तोड़ रही है, ये एक प्लान्ड वे में एक जेनोसाइड प्लान किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। ये इसके लिए किया, ये जो जेनोसाइड प्लान जो किया है, ये इसके लिए किया है ताकि मुसलमानों को डरा दिया जाए। जब अगर डरा दिया जाएगा इन लोगों को, तो जब ये जो बिल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल पास किया है, उसमें तो वैसे भी मुसलमानों को खदेड़ के डिटेंशन कैंप में डालना है, जिस तरीके से हिटलर ने किया था ज्यूज के साथ में। अगर इनको डरा देंगे तो ये लोग हाथ पैर नहीं मारेंगे। ये सेम उसी तरीके से जैसे 2012 में बर्मा में किया गया था मुसलमानों के साथ में जेनोसाइड। बर्मा में भी जो मिलिट्री है वेपन्स के साथ में सिविलियंस के घर पे जा जाके या तो उनको शूट कर दे रही थी, या तो इसी तरीके का जेनोसाइड हुआ था बर्मा में भी। अब उसी तरीके का जेनोसाइड यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। सबसे पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का, नथुराम गोडसे को जो पूछता है, जो भगवान मानता है, जिसने फादर ऑफ नेशन को मारा था, गांधी जी को मारा था, जो ऐसे आदमी को भगवान मानता है, तो जरा सोच लो आप खुद के उसकी मेंटालिटी कैसी होगी। क्या वो आदमी के अंदर इंसानियत है? ये जो जेनोसाइड जो अभी हुआ इंडिया में, जो खुद प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, होम मिनिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है, पुलिस, दिल्ली पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, प्रूव है, वीडियो फुटेजेस है। तो ऐसे में अब मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए? इंडिया में जो मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स के पास में क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, जो जेनोसाइड जो हुआ है, ये एक्चुअल में डराने के लिए हुआ है, इतना याद रखिए। कुत्ते को आप देखोगे तो पहले गुर्राएगा, अगर आप भागोगे उसको देख के तो फिर आपका पीछा करेगा। अगर आप खड़े रहोगे चुपचाप, नहीं डरोगे, तो अपना पूछ अंदर कर लेगा। तो उसी तरीके से साइकोलॉजिकली आपको डराया जा रहा है। सबसे पहले आप डर जाओगे, तो जब डिटेंशन कैंप में डालने के लिए जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल पास हुआ है, इसके थ्रू जब आपको डिटेंशन कैंप में लेके जाया जाएगा, तो आप हाथ पैर नहीं मारो ज्यादा। आपके पास ये जो आरएसएस की जो मिलिट्री है, जो कि आ चुका था कि आरएसएस के पास में इतने एम्यूनेशन है, इतने वेपन्स और एम्यूनेशन है, जो कि पूरा इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जा सकता है, तो भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये चीज यूएन तक तभी भी पहुंचाया जा सकता था, तो इनका जो भी वेपन्स वगैरह सीज हो जाता। हालांकि जो आरएसएस जो है, जो कि सपोर्ट किया जा रहा था बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, इसने वो टाइम पे नथुराम गोडसे, जिसने फादर ऑफ नेशन का एसेसिनेशन किया था, फिर उसके बाद अम्बेडकर, जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अम्बेडकर को मारने की कोशिश किया था, ऐसे बहुत सारे लोग का मर्डर जो है आरएसएस ने प्लान किया है। गांधी जी का तो कर दिया था एसेसिनेशन। ऐसे मेंटालिटी को क्या बोला जाएगा? आरएसएस की जो मेंटालिटी है, ये लोगों जो इनोसेंट लोग है जिनको टेररिज कर रहा है आरएसएस, तो इसको तो सीधा सीधा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है ना आरएसएस को। अरे जो फादर ऑफ नेशन को एसेसिनेट कर सकता है, आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फादर ऑफ नेशन को एसेसिनेट किया, और अपना प्राइम मिनिस्टर, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो उसको भगवान मानता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे पहली बात है डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसका प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक ही नहीं है। आज के डेट में इंडिया में जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप है, यही नहीं समझ में आ रहा। पहली बात, ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन है मुसलमानों के लिए, आइदर यू हैव टू किल और यू हैव टू गेट किल्ड।
अब मुसलमानों के अंदर मतलब ये डर हो गया है कि तादाद में वो लोग ज्यादा हैं, हम लोग कम हैं। भाई अगर आरएसएस जो देखा जाएगा, आरएसएस जो है एक्चुअल में ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन है, और ब्राह्मण्स जो है इंडिया में 5% ब्राह्मण्स है। टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम्स का 14% है, ब्राह्मण से ज्यादा ही है। और साथ में ये ब्राह्मण्स जो है ये दलित के भी दुश्मन है, दलित को भी अपना दुश्मन मानते हैं और मुसलमानों को भी अपना दुश्मन मानते हैं। और अगर यही मुसलमान और दलित अगर एक यूनाइट हो जाए तो 14% और जितने भी दलित जितना भी परसेंटेज है उनका, ड्रेविडियंस का जितना भी परसेंटेज है, मुसलमानों का सबसे पहले यूनाइट होना जरूरी है। क्योंकि जब कोई मारने आता है तुम्हारे को, तुम्हारा कास्ट नहीं पूछता है, तुम सुन्नी हो, शिया हो, 24 हो, एलादीस हो, कोई नहीं पूछता है। यूनाइट हो जाओ, वरना जिस तरीके का जेनोसाइड हो रहा है तुम्हारे साथ में, इसको नहीं टैकल कर पाओगे आगे। और अल्लाह बोलता है चैप्टर 8 कुरान में, चैप्टर 8 वर्स 73 में, अगर तुम यूनाइट नहीं होगे तो तुम्हारे अंदर फितना और करप्शन फैलेगा। अगर तुम चैप्टर 3 वर्स 105 में, अगर तुम जानने के बाद में भी अगर यूनाइट नहीं होगे तो तुमको एक भयंकर पनिशमेंट दिया जाएगा जानने के बाद में भी। आज के डेट में अगर तुम जानने के बाद में भी, जो इतना सारा जेनोसाइड हो रहा है ये सब देखने के बाद में भी अगर यूनाइट नहीं होते हो तो क्या होने वाला है, खुद सोच लो आगे जाके। तुम एक दूसरे से लड़ते रहोगे, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे बीवी बच्चे भी मारे जाएंगे अगर तुम एक नहीं होते हो। मुस्लिम की हदीस है कि एक शख्स आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, वो पूछता है अगर कोई मेरा प्रॉपर्टी वगैरह, अगर वो नियत से आता है कि मेरी प्रॉपर्टी वगैरह अगर सीज कर लें, मतलब छीन लें मुझसे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं नहीं हैंड ओवर करना अपनी प्रॉपर्टी। फिर वो पूछता है अगर वो मेरे से झगड़ा करे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं फाइट बैक, लड़ो उससे। फिर वो शख्स पूछता है अगर उससे लड़ने में मैं अगर मर गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अगर तुम मर गए तो तुम शहीद कहलाओगे, अगर वो मर गया तो वो सीधा जहन्नुम में जाएगा। और सूरह हज में चैप्टर 22 वर्स 38 से 40 तक पूरा समझा दिया है। कुरान चैप्टर 22 वर्स 38 में अल्लाह बोलता है कि अल्लाह जो है तुमको डिफेंड करेगा, क्योंकि अल्लाह सबकी मदद नहीं करता, जो ना शुक्रे हैं और जो नमक हराम है अल्लाह उनकी मदद नहीं करेगा, जो बिलीवर्स है जो ईमान रखते हैं अल्लाह उनकी मदद करेगा। कुरान चैप्टर 22 वर्स 39 में, कुरान चैप्टर 22 वर्स 39 में अल्लाह बोलता है कि अगर तुमसे कोई लड़ने आ रहा है तो उनसे लड़ो, फाइट बैक करो उनसे, चुप मत बैठ जाओ, अपने डरो मत, जब अल्लाह तुम्हारे साथ में तुमको डरना क्यों है। तुम जब सच्चे हो, जब तुम ईमान रखते हो तो तुम गलत के खिलाफ लड़ोगे ही ना, तुमको कोई मारना आएगा तुम मार तो खाके नहीं लोगे। अल्लाह यहाँ पे खुद परमिशन दे रहा है चैप्टर 22 वर्स 39 में। और कुरान चैप्टर 22 वर्स 40 में जिस तरीके का मस्जिद वगैरह जो डेमोलिश किया गया है, तो चैप्टर 22 वर्स 40 में अल्लाह बोलता है अगर तुम्हारे को तुम्हारे घर से निकाल दिया जाता है, तुम्हारे को तुम्हारे घर, तुम्हारा घर छीन लिया जाता है, और ये जिसमें तुम अल्लाह का नाम लेते हो जगह को तोड़ दी जाती है सिर्फ इसके लिए कि तुम मुसलमान हो, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह सुपीरियर है ये सब चीज को संभालने के लिए। कुरान चैप्टर 22 वर्स 38 से चैप्टर 40 तलक, कुरान चैप्टर 22 वर्स 38 से कुरान चैप्टर 22 वर्स 40 तलक। इस्लाम जो है, इस्लाम चैप्टर 6 वर्स 61 में अल्लाह बोलता है कि ये सोचते हैं कि ये इस्लाम का जो दिया है इसको बुझा देंगे, लेकिन ये नहीं बुझा पाएंगे चाहे इनको बुरा लगे या कुछ भी। चैप्टर 6 वर्स 61 में, 8 वर्स 65 में अल्लाह बोलता है कि तुम्हारा यकीन है अल्लाह के ऊपर और तुम सबर के साथ में यकीन करते हो अल्लाह के ऊपर, तुम अगर 20 हो तो तुम 100 से लड़ सकते हो, अगर तुम 100 हो तो तुम 2000 से लड़ सकते हो। सूरह साफ वर्स नंबर 61
میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے، یہ اگر چاہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام کا دیا بجھا سکتے ہیں تو یہ نہیں بجھا سکتے، تو ایسے میں مسلمانوں کو ابھی کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یونائٹ ہو جانا چاہیے، اور یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم گھبرانے کا، ڈرنے کا یا یہ سب کرنے کا نہیں رہا اب ٹائم، اب اپنے آپ کو پریپیئر کرو تاکہ تم لڑ سکو، کیونکہ یہاں پر اب جو گورنمنٹ ہے یہ پوری طریقے سے جینوسائڈ کرنے کے موڈ میں آ چکی ہے، جب سامنے والا آپ کو مارنے آ رہا ہے تو آپ لڑو گے نہیں، آپ ڈر کے بیٹھو گے تو آپ تو پہلے ہی 50% ویسے ہی ہار گئے، کیا کر سکتے ہو آپ ابھی، یا تو مرو یا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جاؤ، ڈیٹینشن کیمپ کا بھی زندگی، ڈیٹینشن کیمپ میں کتنے سال رہو گے یہ بھی کچھ سوچا ہے کبھی، ڈیٹینشن کیمپ میں کیا ہونا ہے، یا تو گیس وہاں پہ رہو گے بھی کہ نہیں رہو گے، کیونکہ ڈیٹینشن کیمپ میں تو جائیں گے سب، لیکن وہاں سے سی اے اے کے تھرو سیگریگیٹ کر دیا جائے گا لوگوں کو، صرف مسلمان ہی جانے والے ڈیٹینشن کیمپ میں، جب صرف مسلمان ہی جائیں گے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو بولتا بھی ہے، ایک بار بولا بھی، اس کا فوٹیج بھی ہے پہلے کا کہ وہ ہٹلر کو اپنا لیڈر مانتا ہے اور ہٹلر کے بکس بھی پڑھتا ہے، تو گیس چیمبر میں ڈال کے مسلمانوں کو مار بھی سکتا ہے، ویسے بھی جینوسائڈ تو کر ہی رہا ہے، اور ابھی جو پرائم منسٹر جو ہے جو اپنا پورا سوشل میڈیا بند کر کے بیٹھا ہے، اسی طریقے کا سیم ہٹلر نے کیا تھا 1945 میں، اپنا ٹیلی فون وغیرہ بند کر کے پورا کٹ آف ہو گیا تھا تاکہ کوئی بھی فون کر کے، مطلب جیسے کہ ابھی اگر جیسے ابھی پرائم منسٹر کو، ہمارا جو پرائم منسٹر ہے مودی کو، اگر فون آ رہا ہوگا کوئی بھی مسلم کنٹری سے کہ بھائی تم جو جینوسائڈ کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب بند کرو، یہ سب بند، یہ سب سے ہٹنے کے لیے، یہ سب نہیں سننے کے لیے اس نے اپنا پورا سوشل میڈیا بند کر دیا، کیونکہ آج کل پبلک ٹویٹ کرتی ہے نا، ہمارے تلک کوئی بھی یہ سب کچھ آیا نہیں، یہ چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اس نے اپنا سوشل میڈیا بند کر دیا، تو اب مسلمانوں کے پاس میں ایک ہی آپشن ہے، پریپیئر فار دا وار، ٹھیک ہے، ایک دم سکون سے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اگر آپ ڈر جائیں گے تو آپ ختم، اور آپ مسلمانوں جنگ بدر کے بارے میں تو سنا ہے نا، جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 300 میں 1200 سے لڑا تھا وہ ٹائم پہ بھی، رمضان کا ہی مہینہ تھا، ابھی جو اپریل میں جو آ رہا ہے رمضان کا ہی مہینہ ہے، تو اپنے آپ کو پریپیئر کرو، فزیکلی بھی پریپیئر کرو، مینٹلی بھی پریپیئر کرو، کیونکہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر نہیں کرو گے تو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے، یہاں پر اللہ خود پرمیشن دے رہا ہے، اللہ جو ہے تم کو، تم مسلمان ہو سب، یہاں پہ جتنے بھی ہم سب مسلمان ہیں، تو اللہ کے اوپر ایمان ہے نا، اللہ جیتائے گا ہم کو، تم لوگ پریپیئر تو ہو جاؤ سب انشاءاللہ، باقی اللہ جو ہے وہ خود مدد کرے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ وہ مدد کرے گا، تو تھوڑا دماغ سے سوچیے، یہاں پہ مسلمانوں کے پاس میں اب کوئی آپشن نہیں بچا ہے، آپ کو یہاں پر لڑنے کے لیے تیاری ہونا ہے، یو ہیو ٹو گیٹ پریپیئر فار دا وار اور ایلس ول گیٹ کلڈ، سو گیٹ پریپیئر فار دا وار، کیونکہ قرآن میں اللہ بول رہا ہے، چیپٹر 22 ورس 38 سے چیپٹر 22 ورس 40 تک۔